हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इंपोर्ट इंपोर्ट डिफॉल्ट को कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस के बारे में। अच्छा, आपने क्या बोलते हैं, गॉड प्रॉमिस सुना होगा, आपने पिंकी प्रॉमिस सुना होगा, ये जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस क्या होता है? सो प्रॉमिस वर्ड की तरह देखिए, अ प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक। यू यूज इट टू मेक अ प्रॉमिस टू डू समथिंग, यूजुअली एसिंक्रोनसली। ठीक है, सो प्रॉमिस भी जावास्क्रिप्ट में भी प्रॉमिस की तरह ही होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, आप एक प्रॉमिस कर देते हो ताकि कि मैं ये चीज करने वाला हूं। और क्या बोलते हैं, यूजुअली एसिंक्रोनसली का मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है सिंक, ए होता है एक एसिंक। ठीक है, सो सिंक मतलब कि एक दूसरे से तालमेल बैठा, या फिर एक टाइमिंग उसकी प्रॉपर होती है। ठीक है, एसिंक हो गया मतलब इम्प्रॉपर टाइमिंग, या फिर एक उसमें मैच जो रिदम होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है, रिदम में म्यूजिक वाली नहीं बोल रहा हूं, मेरा मतलब टाइमिंग में डिफरेंस होता है। सो व्हेन द टास्क कंप्लीट, यू आइदर फुलफिल योर प्रॉमिस और फेल टू डू सो। ठीक है, जब भी कोई काम होता है तो या तो आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया हो, जैसे कि लेट सपोज आपने अपने पापा को प्रॉमिस किया होगा, पापा मैं इस बार फर्स्ट आऊंगा अपने क्लास में, सो मे भी आपने पढ़ाई पूरी की बट बाई चांस किसी वजह से नहीं आए, या फिर आप प्रॉमिस किया और फर्स्ट आ गए। ठीक है, सो बस उसी तरह से कि आपने कोई प्रॉमिस किया हो, या तो उसको कंप्लीट कर लोगे या तो फेल कर लोगे। प्रॉमिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सो यू नीड टू यूज द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट वन। ठीक है, सो प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको याद होता है ना, कि क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करके यूज करते हैं और उस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का वहां पे डिफाइन करके आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं उसमें। तो सेम जो प्रॉमिस है वो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बना है। इसका मतलब कि जब भी हमें न्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा तो हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो प्रॉमिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यू नीड टू क्रिएट वन, इट टेक्स अ फंक्शन एज इट्स आर्ग्यूमेंट, और इसमें एक फंक्शन जाता है एक आर्ग्यूमेंट की तरह। ठीक है, सो यहां पे देखो, इसका आर्ग्यूमेंट यहां पे ब्रैकेट आ गए, जैसे नॉर्मली हम कैसे लिखते थे कि कॉन्स्ट वेजिटेबल वाला, अगर याद होगा आपको, कैरेट इक्वल, ठीक है, न्यू वेजिटेबल, इस तरह से था ना, और फिर आर्ग्यूमेंट ले रहे थे और उसमें हम जो भी पास कर रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कैरेट, ओके, सो देखो ये था हमारा नॉर्मल सिंटेक्स जब हम उसमें न्यू वेजिटेबल कॉल कर रहे थे क्लास के साथ, जो कि वेजिटेबल क्लास के साथ डिफाइन हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन पास हो रहा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में, इट टेक्स अ फंक्शन एज इट आर्ग्यूमेंट्स विद टू पैरामीटर, जिसमें दो इसमें एक फंक्शन पास किया जाता है जिसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला क्या होता है, रिजॉल्व, दूसरा क्या होता है, रिजेक्ट। दीज आर मेथड यूज टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ द प्रोमिस। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम आउटकम दिखा सके कि अच्छा प्रोमिस फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, द सिंटेक्स लुक्स लाइक दिस। ठीक है, कॉन्स्ट माई प्रोमिस, माई प्रोमिस मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हो जिस हिसाब से आप डिफाइन करना चाहते हो या जो भी वर्क करवाना चाह रहे हो उससे। फिर प्रोमिस की वर्ड का इस्तेमाल करके रिजॉल्व, रिजेक्ट, फिर एरो फंक्शन के डिफाइन करके आप जो भी सिंटेक्स आप रन करवाना चाहो। ठीक है, बीच में क्रिएट अ न्यू प्रॉमिस कॉल्ड मेक सर्वर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं और डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट मेक सर्वर रिक्वेस्ट। ठीक है, सो ये हम न्यू प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं। कैसे होगा, पहले नाम लिख दिया प्रॉमिस का, अब क्या बोलते हैं, इसमें न्यू कीवर्ड इस्तेमाल किया है, फिर प्रॉमिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, फिर इसमें आर्ग्यूमेंट लेना है। ठीक है, ये आ गया आर्ग्यूमेंट। अब हमारे क्या बोलता है, ये इस आर्ग्यूमेंट में क्या पास होता है, फंक्शन। सो फंक्शन पास होगा, उसमें फंक्शन में क्या आर्ग्यूमेंट पास होता है, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। ठीक है, ये दो पास होते हैं। अब एरो फंक्शन है तो हम एरो से डिक्लेयर कर देते हैं और कर्ली ब्रेसिस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, सो ये था नॉर्मल सिंटेक्स, जनरल सिंटेक्स। अब हम चेक कर लेते हैं, सो रन द टेस्ट, टेस्ट पास हो चुका है। तो इस हिसाब से हम एक प्रॉमिस को डिफाइन करते हैं। अब इसके आगे कैसे नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, डाउट हो तो कमेंट करना। ओके, जो भी करना हो कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। बाय।